लेकिन उसका कोई फायदा उठाए इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नहीं होगा कि कोई मुंबई में आकर के इस प्रकार का कांड कर डाले जैसा 3 महीने पहले हुआ था, नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे। आतंकवाद का जट जट के मुकाबला करेंगे और उसको समाप्त करेंगे। देश के प्रधानमंत्री है, मैं उनको कई बार कहता हूं कितना अच्छा होगा कि जैसे विदेशों में बहस होती है ना, जो भी मुखिया होते हैं आपस में बहस करते हैं, अच्छा होगा कि ये सभा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सभा ना होकर के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित सभा हो, यहां आ जाए। प्रधानमंत्री भी आ रहे चाहते तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ही आ जाए, मैं उसे पूछूंगा कि क्या कारण है कि जिन लोगों ने संसद पर हमला करने का षड्यंत्र किया और जिनके हमले को नाकाम करने के लिए हमारे सुरक्षाकर्मियों ने 9 जाने गंवाई अपनी, अगर वो 9 जाने न गंवाते उस दिन दिसंबर 2001 में, तो ये जो 5 आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे संसद के भीतर घुस आते तो 750 MP उनका कत्लेआम हो जाता। कोई हिन्दुस्तान की राजनीतिक पार्टी नहीं बचती, सबके सब नेता खत्म हो जाते, लोकतंत्र नहीं बचता, इस प्रकार की सभाएं नहीं होती। अगर वो बच गए तो उसका श्रेय जो है उन CRPF के जवानों को, उनमें से एक महिला भी थी, उन दिल्ली पुलिस के जवानों को कि जिन्होंने उन 500 के 500 को साफ कर दिया, अंदर घुसने नहीं दिया, उनको बड़े सम्मान दिए गए, उनको बड़े पुरस्कार दिए गए कि आप उनके परिवारों को, कि आपके जवानों ने और संसद को बचाया। मैं गृहमंत्री था, मैंने कहा केवल मात्र बचाना पर्याप्त नहीं है, जिन्होंने षड्यंत्र किया था उनको खोज से निकालना चाहिए, और मेरी इंटेलिजेंस को, मेरी सरकार को यह श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने एक एक करके सबको पकड़ डाला, सबको पकड़ डाला, सबको सुना आ गई। सबसे बड़ा जो षड्यंत्रकारी था उसका नाम था अफजल गुरु, वो कश्मीर से आया था, पाकिस्तान से आया था, और उस अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई गई, अपील की उसने सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको फांसी की सजा सुनाई, लेकिन फांसी की सजा नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। 2001 को 8 साल हो गए, मैं कई बार सोचता हूं कि प्रधानमंत्री यहां पर होते या सोनिया जी यहां पर होती, मैं उनसे पूछता अगर वो अफजल गुरु न होकर के कोई आनंद सिंह होता, कोई आनंद मोहन होता, वो क्या बच जाता। फांसी की सजा आ गई नहीं आई, क्यों नहीं आई, इसी को मैं कहा करता हूं कि हिंदुस्तान में देश की सुरक्षा को वोट बैंक की राजनीति के ऊपर कोई भी नहीं रखा जा सकता। इस वोट बैंक की राजनीति से देश का बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, हम नुकसान नहीं होने देंगे, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए इस बार देश के कोने कोने में जाकर के मैं बहुत जगह पर गया हूं, लगातार जा रहा हूं, एक एक स्थान पर जाकर के जितनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है सबको कहता हूं कि सूझबूझ का परिचय दीजिए कि देश को ऐसी सरकार चाहिए, देश को ऐसी सरकार चाहिए जो जनता का कल्याण करे, ऐसी सरकार चाहिए जो भ्रष्टाचार को समाप्त करे, ऐसी सरकार चाहिए जो आतंकवाद को खत्म करे, ऐसी सरकार चाहिए जो लगातार देश का विकास करती है। विकास, सुरक्षा, सुशासन, यह 3 तत्व हैं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी देश के सामने गांव गांव का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को कहते हैं समझ करके करो। ये जाति पार्टी के आधार पर फैसला नहीं हो
फूल और वो साथ के साथ अचानक उनकी जो लड़कियां थी सब स्कूल में पढ़ गई, जो बड़ी दो लड़कियां थी एक नवी में थी एक दसवीं में थी, लगातार स्कूल ले गई। उनके अध्यापिका ने स्कूल से किसी को भेजा कि जाकर के घर पे पूछ के आओ कि क्यों नहीं आई, क्या हुआ, और वो घर आते हैं उनके तो देखे कि सातों के सातों माता पिता और वो पांच लड़कियां बच्चियां वो सब की सब बेहोश पड़ी। सबने मिलकर के फैसला किया कि हम पिछले दिनों से इतने दुखी हैं कि हमारे पास खाने को पहनने को पर्याप्त नहीं, कर्जा लेते गए, किसानों ने कर्जा लिया और फिर कर्जा न चुका सके, इसके कारण आत्महत्याएं तो बहुत देखी, लेकिन ये पहला मध्यम वर्गीय परिवार दिल्ली राजधानी में रहने वाला, क्योंकि वो कर्जा नहीं चुका सका, इसीलिए उन्होंने बैठ करके सामूहिक निर्णय लिया कि आओ तो हम मिल करके और लहर पी ले और आत्महत्या करें, और सबने लहर पी और सब वहां पर बेहोश पड़े थे। उनको लेकर के लोग गए, मैं गया उसके अगले दिन वहां हॉस्पिटल में, माता पिता अभी की गंभीर स्थिति में थे, लेकिन वो पांचों बच्चियां जो थी लड़कियां थी वो बच गई थी, और उनसे बातचीत करने में मुझे बहुत संतोष हुआ। लेकिन मुझे लगा कि यह हिन्दुस्तान है, जिस हिन्दुस्तान के बारे में दुनिया कहती है कि आज दुनिया में भारत काफी संपन्न हो गया है और भी हो गया है। मैं याद करने लगा कि 2004 में जब हम लोकसभा चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा था कि एनडीए की सरकार में ठीक है सड़कें बहुत अच्छी बनी, एनडीए की सरकारों ने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया, अच्छा किया बहुत, लेकिन कभी भूलना नहीं चाहिए कि एनडीए की सरकार ने केवल खास आदमी की चिंता की, आम आदमी की चिंता नहीं की। ये आम आदमी की चिंता है तो आपने की है, पिछले 5 सालों में अखबारों में खबर देती है, सिवाय इसके और कुछ नहीं आता। हिन्दुस्तान में पद्मपति कितने हैं, बिलियनर्स कितने हैं, करोड़पति कितने हैं, किसी की चर्चा हो रही है? आम आदमी की दशा तो यही होती है जो इस जैन परिवार की हुई, जिसको मैंने अपनी आंखों से जाकर नहीं देखा, और इसीलिए मैं आपको कहने आया हूं कि यह सरकार जिसको पूरी देर सिवाय भ्रष्टाचार के सिवाय अपराध के वो चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, इसको तो जितनी जल्दी हम छुट्टी करें उतना हम देश का अपराध करें। वैसे तो स्वयं प्रणब मुखर्जी जो इस समय वित्त मंत्रालय संभाले हुए हैं, उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा महंगाई तो थी अभी भी चल रही है, लेकिन लगता है कि आने वाले दिनों में बेरोजगारी बहुत आएगा। और ये बेरोजगारी ये ऐसी बेरोजगारी नहीं है जो साधारणता होती है, ये बेरोजगारी वो है जो जिनके पास रोजगार है उनका रोजगार जाए और किसी का जाए न जाए, लेकिन मुझे लगता है कि जो आज देश का वातावरण है और जो वातावरण मैं यहां पर पटनौना में देख रहा हूं उसको देख करके मुझे लगता है कि ये प्रणब मुखर्जी की भविष्यवाणी सही साबित होने वाली है। कम से कम 16 मई को दिल्ली में बैठे हुए जो मंत्री हैं ना सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के वो सब बेरोजगार हैं।